मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की सही उम्र क्या होती है। तो सबसे पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, ये कहाँ यूज़ होता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें सिर के पीछे के हिस्से से ग्राफ्ट लिए जाते हैं। ग्राफ्ट यानी फॉलिकुलर यूनिट, जिसमें एक या एक से ज़्यादा बाल हो सकते हैं, उसके अटैचमेंट, उसकी ग्लैंड्स, उसकी ब्लड सप्लाई, उसके आसपास का टिश्यू, ये होता है। ये फिर सिर के उस हिस्से में ट्रांसप्लांट किया जाता है जहाँ पे गंजापन आता है, जैसे कि सिर का आगे का दो तिहाई हिस्सा। इसमें जहाँ भी बाल्डनेस होती है वहाँ इन ग्राफ्ट को शिफ्ट किया जाता है। फिर यह उस गंजेपन या उस हिस्से पे ये ग्रो करने लगते हैं और एक प्रॉपर हेयर्स हमें आने लगते हैं। तो यह जनरली मेल पैटर्न बाल्डनेस या अनुवांशिक गंजापन या सिंपल गंजापन जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ यूजेस होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, जैसे कहीं बर्न हो गया हो, ट्रॉमा हो गया, उसके कारण स्कार बन गया हो, जहाँ बाल आने बंद हो गए हों, तो वहाँ पे भी हेयर ट्रांसप्लांट को यूज़ किया जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट किस एज में बेस्ट होता है। पहले ये माना जाता था कि बहुत अर्ली एज, जैसे 25 साल से भी कम उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आपका बाल्डनेस प्रोग्रेस करता रहता है। तो आप एक हिस्से में ट्रांसप्लांट करा लेते हो तो उसके पीछे के हिस्से में बाद में बाल्डनेस प्रोग्रेस करता है, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं लगता है। दूसरा ये माना जाता था कि बहुत ओल्ड एज में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सर्जरी है तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन समय के साथ यह देखा गया कि बहुत ओल्ड एज में अगर पेशेंट मेडिकली फिट है, अगर उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, अगर उसको कोई कार्डियक इशू या कोई सीवियर इलनेस नहीं है, तो नॉर्मल थोड़ा बहुत बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर थोड़ी बहुत रेज्ड है, तो अगर ये दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है तो कंट्रोल्ड केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट ओल्ड एज में भी किया जा सकता है। और कई केस पेशेंट हमने किए हैं और वो पेशेंट के सक्सेसफुल रिजल्ट्स या आउटकम भी हमारे आए हुए हैं। पेशेंट परफेक्टली फाइन है, उनको कोई प्रॉब्लम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से नहीं हुई और ग्रोथ उनको काफ़ी अच्छी मिली है। दूसरा, यंग एज की बात करें तो 25 से नीचे ये डेफिनेटली है कि बाद में आपका बाल्डनेस प्रोग्रेस कर सकता है, पर अब देखा जा रहा है कि कई बार 25 के पहले ही काफ़ी सीवियर ग्रेड ऑफ बाल्डनेस यंग लड़कों में आ जाती है। जैसे कई बार देखा जाता है कि ग्रेड 6-7 तक की बाल्डनेस यंग लड़कों में आ जाती है, तो ऐसे केसेस में उन पेशेंट्स का हेयर ट्रांसप्लांट किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको उनके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, इवन उनका थोड़ा हेयर लाइन रिसीड हो जाता है उससे भी, क्योंकि उनको उस समय कॉलेज जाना होता है या कोई जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होता है, तो वहाँ अपीयर होने के लिए उनके कॉन्फिडेंस में कमी आती है। तो जब यह आपके डे टू डे लाइफ में डिफ़िकल्टी पैदा करने लगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी लाने लगे, तो ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट कंसीडर कर सकते हैं। हमें बस प्लानिंग का डिफरेंट होता है कि ओल्ड एज में हम इसे किस तरह से प्लान करते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि बाल्डनेस लगभग कंप्लीट आ चुकी है, जितना प्रोग्रेशन बाल्डनेस का होना था वो हो चुका है, तो उस हिसाब से प्लानिंग रखी जाती है। यंग एज में हम फ्यूचर प्रोग्रेशन को ध्यान में रख के प्लानिंग करते हैं। कोशिश यही रहती है कि हेयर लाइन थोड़ी सी ऊपर रखी जाए, थोड़ा सा बहुत एग्रेसिव हेयर लाइन देने की कोशिश ना की जाए। पर किसी किसी पेशेंट का, जिनमें बहुत फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है सीवियर बाल्डनेस की, बहुत कम ग्रेड की बाल्डनेस उनकी फैमिली में होती है और पेशेंट को भी एक अच्छी हेयर लाइन रिक्वायर्ड होती है, तो उस केस में एग्रेसिव हेयर लाइन रख सकते हैं। हम यह कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सारे पहलू के बारे में बता दें, सारी बातों के बारे में पहले से बता दें कि क्या फ्यूचर प्रोग्रेशन हो सकता है, किस तरह की हेयर लाइन उन पर अच्छी लगेगी, किस तरह की हेयर लाइन से हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उनका ढक सकते हैं। डेंसिटी अच्छे से अच्छी देने की कोशिश की जाती है, नेचुरल जितना ज़्यादा रिजल्ट दिखे उसकी कोशिश की जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स उनसे डिस्कस करने के बाद यह प्लानिंग करते हैं कि अर्ली एज में ट्रांसप्लांट किया जाना है चाहिए या नहीं।
तो अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट उसका गंजापन कर रहा है तो डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट आप प्लान कर सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट की कोई गाइडलाइंस नहीं है कि किस एज में हेयर ट्रांसप्लांट होना चाहिए, किस एज में नहीं होना चाहिए, बट यह काफ़ी इंडिविजुअल होता है, काफ़ी एक पर्सनलाइज चीज़ है, जो कि कहना चाहिए कि किस पेशेंट में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है और उसको बहुत ज़्यादा गंजापन अफेक्ट कर रहा है, उन केसेस को हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किसी भी एज में कंसीडर कर सकते हैं, सिर्फ वो मेडिकली फिट होना ज़रूरी होते हैं। तो उम्मीद है आपको एज से रिलेटेड एक जो कन्फ्यूज़न रहता है कि कोई एक स्ट्रिक्ट एज होती है कि इसी में हेयर ट्रांसप्लांट बस हो सकता है, तो ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा आपका दूर हुआ होगा। वैसे ये मेरा पर्सनल व्यू है और इसमें सब लोगों के व्यू अलग-अलग हो सकते हैं, बट मैं इस व्यू को साथ में लेके ही पेशेंट से डिस्कस करता हूँ और अगर उनको ये चीज़ें सही लगती हैं तो ही हम आगे फिर हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।